ऑल वेलकम टू माय चैनल एटीएसआई इंस्टीट्यूट। आई होप ऑल यू आर फाइन। आपके 10th और 12th से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम रह गए थे, जो पेंडिंग थे, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। 10th के एग्ज़ाम तो नहीं होंगे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ एग्ज़ाम रह गए थे, वहाँ जो दंगे हुए थे जिसके कारण हमें उनके एग्ज़ाम कैंसिल करने पड़े थे, तो उन जगहों पे जो है एग्ज़ाम होंगे अभी, वो भी 1 से 15 जुलाई के बीच होंगे। और जो 12th क्लास है, 12th क्लास के जो हमारे जो मेन एग्ज़ाम्स है, 29 जो एग्ज़ाम मेन है, केवल वही होंगे, और वो भी कब होंगे? 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। डेट शीट आपको कुछ ही दिनों में अपडेट हो जाएगी तो वो आपको पता लग जाएगी। उसके अलावा जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका अगस्त में आएगा, ठीक। और जो NEET का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो हमारा जुलाई 26 को शेड्यूल किया गया है, ठीक। तो आप जो हमारे मेन जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, आज से ही तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि जो 12th के मेन एग्ज़ाम है वो होने, डेट शीट आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आज से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, ठीक। बाकी जो 10th के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, जो कैंसिल किए गए, उनका जो मैंने आपको बताया था एसेस किया जाएगा, उनके प्री बोर्ड या जो लास्ट उनके एग्ज़ाम हुए थे उनके बेसिस पे उनका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा 20 अगस्त के आसपास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो न्यू यूज़र है वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।